असली प्राचीन टोट के चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं। जी हाँ भक्तों, आज मैं आपके लिए एक खास टोट का तरीका लेकर आया हूँ। मेरी आयु उस व्यक्ति के लिए होगी जिसकी शादी में अक्सर प्रॉब्लम रहा करती है, जो अपनी शादी के रिश्तों को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल में पड़ा हुआ है। उसकी शादी का ना हो पाना, शादी के बार बार रिश्ता टूट जाना, या आप कह सकते हैं कि आपकी शादी पक्की ही नहीं हो पा रही। तो आज की हमारी इस वीडियो को देख लीजिए। जो कोई इंसान ये वीडियो देख लेगा अंत तक, वो गारंटी के साथ अपनी शादी को पक्की कर सकता है, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक ज्योतिष उपाय लेकर आया हूँ। ये ज्योतिष उपाय बहुत खास है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एक मोली का धागा यहाँ बांधते ही आपकी शादी पक्की होगी। और ये मोली का धागा कहाँ को आपको बांधना है, इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और जो कोई इंसान परेशान है कि जिसकी शादी नहीं हो पाती, जो अपनी शादी को लेकर अक्सर परेशान रहा करता है, तो उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा कारगर होने वाली है वीडियो। देखिए, आपको एक मोली का धागा गुरुवार वाले दिन कहाँ पर बांधना होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ये बांध कर आ जाइएगा और ये छोटा सा काम करते ही रिजल्ट दिख जाएगा आपको कि किस प्रकार से आपका प्रेम विवाह, जो कोई इंसान करना चाहता है, शादी करना चाहता है, शादी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे, तो उन सभी समस्याओं का आपको समाधान मिल जाएगा। तो अगर अभी आप पहली बार पहुंचे हैं चैनल पर, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं करना क्या होगा। देखिए, आप सब जानते हैं कि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु के लिए सबसे खास होता है, और इस दिन जो कोई इंसान श्रद्धा विश्वास के साथ काम करता है वो सफल भी होता है। अब उसी प्रकार से दोस्तों, मैंने बहुत से उपाय बताए हुए हैं, जैसे कि गुरुवार वाले दिन पीले चीज़ों को पहनना, पीली चीज़ों का दान करना। इसके साथ साथ एक उपाय ये भी है कि अगर एक मोली का धागा आप यहाँ बांध देते हैं, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है शादी में वो दूर होने लगती है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गुरुवार वाले दिन व्रत रखना है। तो व्रत आप इस दिन रखेंगे और नियमित आप ब्रह्मा जी की पूजा करेंगे। ब्रह्मा जी जिसे आप पीपल के देव, पीपल के जो पेड़ होता है उसमें वास होता है उनका, तो आप वहां जाएंगे। अगर दोस्तों वहां पर नीम का पेड़ भी है और पीपल का पेड़ भी है, या कोई अन्य पेड़ उनके साथ मिला हुआ है, जैसे कोई बरगद का पेड़ होता है, अगर तीन पेड़ जहाँ पर मिल जाए तो वहाँ ब्रह्मा जी का वास हो जाता है। अब वहाँ जाना है आपने, और एक मूली का धागा लेकर जाइएगा, सवा आप ले लीजिएगा मीटर के करीब होता है दोस्तों। अब उस धागे को आपने वहाँ पर बांध देना है, किसी भी पीपल के पेड़ के ऊपर। आप चाहें तो दोस्तों आपने परिक्रमा कर सकते हैं 108 बार, और परिक्रमा करते समय आप इस धागे को बांध सकते हैं। अब जैसे ही आप इसे बांधते हैं, तो उसके बाद अपने मन में जरूर इस बात को लेकर आइएगा कि आपकी शादी के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं। और ओम लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, ब्रह्मा जी के अन्य मंत्रों का जाप कर सकते हैं, और ये उपाय आपका प्रेम विवाह हो, आपकी शादी हो, जिससे देरी हो रही थी, शादी का रिश्ता टूट रहा था, या शादी का रिश्ता आ ही नहीं रहा था, एक अच्छा रिश्ता भी आपके घर आएगा और शादी भी जल्द पक्की हो जाएगी सिर्फ एक उपाय करने से। तो ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आपके लिए मैं लगातार वीडियोस लेकर आता रहूँगा, नए नए उपाय बताता रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।